नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भैया जी टेक्निकल। आज आपसे बात करने वाला हूँ ट्रांसलिटेशन इन पीसी, यानी कि आप जो लिखते हैं इंग्लिश में जो लिखेंगे उसका अनुवाद आपके मातृभाषा या कोई भी और लैंग्वेज में हो सकता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है हिंदी में हिंदी लिखा हुआ है, जैसे इंग्लिश में हम टाइप कर रहे हैं HINDIA हिंदी, और उसका अनुवाद हिंदी लैंग्वेज में हो रहा है हिंदी की तरह, तो इसको कहते हैं हम ट्रांसलिटरेशन। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे, इंग्लिश में आप टाइप करिए और कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए तो किस तरह करना है उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसके पहले मैं बता दूँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टेक रिलेटेड रोज वीडियोस आपको आते रहेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में और जानते हैं। आपको बता दूँ, ये गूगल इनपुट का टूल है। आप वेबसाइट पर अगर जाएंगे, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं google.co.in/inputtool.try, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा आपको। तो इसमें अगर आप जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ये करीब 120 पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेजेस हैं। यहाँ से आप जैसे कि यदि मैं लिखता हूँ आपको, ये तो इंग्लिश में है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ हिंदी में अपनी लैंग्वेज में। तो अब ये हिंदी में किस तरह काम करता है वो दिखाता हूँ आपको। भैया जी टेक्निकल में आपका स्वागत है, देख रहे हैं कितनी सुंदरता से इसने लिख दिया है। तो वैसे ही आप भी इसको लिख सकते हैं किस तरह। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए, ये देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, मराठी इंग्लिश हिंदी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, 120 लैंग्वेजेस दी गई है, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये करंटली क्या है, ये करेंटली आप वेबसाइट पे कर सकते हैं या इसका कहीं कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इसको आपके कंप्यूटर में इंसर्ट करना है, यानी कि आपके कंप्यूटर में आपको हमेशा के लिए चाहिए ताकि आप वेबसाइट पे रेफर ना करें, ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं आज लेकर आया आपके पास। हम देखेंगे इसके दो तरह के टूल्स हैं, एक जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल पर आता है वो है, और दूसरा है कि गूगल इनपुट टूल। तो मैंने आपको जो करके दिखाया गूगल इनपुट टूल के ऊपर, ये एक्चुअली ज़्यादा प्रचलित है, माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन बहुत लोगों को कम लोगों को पता है, इसको भी यूज़ किया, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको करना क्या है मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं दिखा दूँ, हम काम करेंगे इस गूगल के ऊपर और आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि आपको ऑफलाइन मोड पर कैसा होता है। तो उसके पहले मैं दिखा दूँ, आपके कंप्यूटर में कुछ सेटिंग्स होती हैं, वहाँ पर जाकर शायद आपको चेंज करना पड़े। यदि आप विंडोज़ 7 है तो ही चलेगा ये, विंडोज़ अगर उसके नीचे का है विंडोज़ उसके नीचे का, तो आपको कुछ मैनुअल सेटिंग करनी पड़ेगी, उसको मैं दिखा दूँ आपको। आप जाएंगे अपने स्टार्ट बटन में और यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाते ही आपको सिलेक्ट करना है क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन, हो सकता है आपको क्लासिक कैटेगरी में हो तो यहाँ पर व्यू बाई कर लीजिएगा, जो भी आपको कम छोटा लगे। तो यहाँ पर आपको क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन में जाना है और यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में जाना है, क्योंकि हम लैंग्वेज के साथ खेलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसा सा कीबोर्ड एक छोटा सा आ गया है टैब, और इसके अंदर आपको देखने मिलेगा यहाँ पे कीबोर्ड एंड लैंग्वेजेस का टैब है, इसमें जाइए और उसके अंदर आप चेंज कीबोर्ड, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा क्या क्या स्टेप्स हैं चेंज कीबोर्ड। यदि आप इसमें आके देखेंगे तो इस समय मेरे पास सिर्फ इंग्लिश यहाँ पर दिख रहा है, एक US का जो मैंने कंप्यूटर सेटअप करते समय रखा था, यानी आपके कंप्यूटर के साथ में आता है, और यहाँ पर देखेंगे तो कोई कीबोर्ड है नहीं, यहाँ पर आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा इंडियन वगैरह ये दुनिया भर के, है ना। तो उससे ऐड करना, वो आपको एक्चुअली ऐड करना पड़ेगा यदि आप विंडोज 7 से नीचे हैं तो। तो आपको मैं ये करके दिखाऊंगा ये किस तरह से काम करता है, इसको फ़िलहाल मैं बंद कर दे रहा हूँ और हम चलते हैं अभी अपने यहाँ पे गूगल के जो टूल्स है उसके पास चलते हैं। ये आपको देखना है यहाँ पे एक्चुअली जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिक इनपुट टूल है काफ़ी लिमिटेड लैंग्वेजेस में, 7-8 लैंग्वेजेस में, तो बांग्ला है, गुजराती है, काफ़ी और अलग अलग है। तो आपको जो सिलेक्ट करना है, जैसे हिंदी सिलेक्ट किया, आपको इंस्टॉल डेस्कटॉप वर्जन पे करना है और यहाँ पे आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने पर देख आपको .exe फाइल आएगी जो कि एक्चुअली में आती है विंडोज़ के लिए, और उसको सिर्फ क्लिक करना है और कुछ करना नहीं है, इंस्टॉल होते जाएगा, 2-3 चीज़ पूछेगा हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में मैं आपको गूगल का दिखाता हूँ जिसमें आपको काफ़ी सारे लैंग्वेज का ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि google.co.in इनपुट इन लैंग्वेज टूल्स पर आ जाएंगे आप। इसको भी जूम करके दिखा दो ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए देखने के लिए। ये देख सकते हैं आप गूगल इनपुट टूल, ये वेबसाइट है google.co.in/inputtool/window, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो अभी एक्सपेरिमेंट किया था गूगल ट्राई इट आउट पे किया था, जो कि ऑनलाइन मोड पे काम करता है। मैं ऑन विंडोज़ के मोड यहाँ पे टैब में आ चुका हूँ,
ऑन विंडोज़ में हम किस तरह काम करेंगे ये देख सकते हैं। इस तरह से हिंदी आप लिखेंगे इंग्लिश में तो आपके मातृभाषा यानी इंग्लिश में, जैसे हिंदी में मैंने कन्वर्ट किया तो इंग्लिश में, इंग्लिश का कन्वर्जन हिंदी में हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में और कुछ बताता हूँ आपको किस तरह करना है। तो राइट साइड पर ये देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हैं, आपको फिर से दिखा दूँ जूम करके, ये देख सकते हैं ईजी टू यूज़ एंड इनिट्यूटिव। तो आपको चूज़ योर लैंग्वेज जो भी सिलेक्ट करना, तो चलिए हम हिंदी लिखते हैं, मैं हिंदी को प्रेफरेंस दे रहा हूँ। आप अपनी मातृभाषा यहाँ से कोई भी हो सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इंग्लिश ले सकता हूँ, मल्टीपल लैंग्वेज भी ले सकते हैं आप दो तीन, तो उसको भी कैसे यूज़ करना वो भी बताऊँगा। इंग्लिश ले ली, हिंदी ले ली मैंने और एग्री टर्म्स एंड कंडीशन कर दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पर गूगल का यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको डाउनलोड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1040 का है, डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। डाउनलोड हो गया है, मैंने इसको रन कर दिया। यस, स्टेप देखते जाइए आप, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। डाउनलोड हो रहा है, इसका वजह से थोड़ा शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे ईच एंड एवरी स्टेप्स तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये डाउनलोडिंग डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे, जो मैंने 1 MB की फाइल डाउनलोड की थी उसके बाद का ये प्रोसेस है, तो ये एडिशनल इंटरनेट लेगा, याद रखिएगा इसको, ये स्टेप्स को। डाउनलोड हो चुका है पूरी तरह से, अब एकदम एंड के स्टेज में है, तो ये काफ़ी लेंदी हो जा रहा है, 20-22 सेकेंड और मांग रहा है। चलिए मैं जब तक पॉज कर देता हूँ, उसके बाद में आते हैं हम एक इंस्टॉल होने के बाद। ये अब 1 सेकेंड रह गया, डाउनलोड कंप्लीटिंग, अब इंस्टॉलिंग हो रहा है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट, इंस्टॉलेशन हो चुका है, अब मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा। क्लोज़ करने के बाद इंस्टॉलेशन हो गया है, अब चलते हैं देखते हैं ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ, किस तरह से हुआ है। तो उसके लिए हम फिर से जाएंगे क्लॉक एंड लैंग्वेज वाली सेटिंग में, जो आपको आपको कंट्रोल पैनल से मिल जाएगा। आपके कंट्रोल पैनल में जाने के बाद फिर से आपको सिमिलर पोजिशन पर जाना है जैसे हम गए थे, कीबोर्ड एंड लैंग्वेज में आ गया मैं, चेंज कीबोर्ड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले, यदि आपको याद होगा तो यहाँ पे सिर्फ US का ही था, अब ये हिंदी का गूगल इनपुट टूल भी आ चुका है ना, पहले शायद नहीं था ये, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो। ये देख सकते हैं पहले इंग्लिश था, अब हिंदी भी आ चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐड वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ गया है। अगर आप विंडोज़ 7 के नीचे हैं तो यहाँ पर आपको ऐड करना है, और यहाँ पे जाके हिंदी वगैरह जो आपको मिलेगी, हिंदी इंग्लिश जो भी है, आप वहाँ पे सिलेक्ट करके कीबोर्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो कीबोर्ड ही ऐड करके लैंग्वेज का टूल नहीं है। तो गूगल इनपुट मेरे यहाँ पे आ चुका है, मैं इसको चाहे तो यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ, यदि आपको बाद में पसंद ना हो तो आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आप गूगल का जो माइक्रोसॉफ्ट का इंडिक मैंने बताया वो भी करेंगे, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिक भी आ जाएगा, उसको भी आप ऐड या रिमूव कर सकते हैं, गूगल हिंदी के कीबोर्ड में आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा सिलेक्शन हो गया है, यहाँ पर मेरा टूल आ चुका है, अब हम चलते हैं इसको यूज़ करेंगे किस तरह से वो देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरा सेटअप हो चुका है, इसका एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं किस तरह से काम करता है। तो मुझे अपने कीबोर्ड पे यदि मैं शॉर्टकट बताऊँ आपको, तो अल्टर और शिफ्ट दबाएंगे या तो आपको हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अल्टर और शिफ्ट दबाया मैंने, तो आपको कन्वर्ट दो, यहाँ पे डेस्कटॉप के नीचे मुझे दिख रहा है जैसे हिंदी और इंग्लिश, लेकिन ये आपको नहीं दिखाई देगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें भी एक सेटिंग है वो मैं देखता हूँ, सेटिंग आपको दिखाता हूँ। अब ऐसे ये टैब पे जाएंगे तो चेंज कीबोर्ड पे जाना है आपको, और यहाँ पर लैंग्वेज बार ऑप्शन है, तो यहाँ पर फ्लोटिंग ऑन द डेस्कटॉप आपको क्लिक करना है ताकि वो डेस्कटॉप पर फ्लोट हो, अप्लाई करना है, ओके करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर फ्लोटिंग आइकन आ गया है। तो अगर मैं अल्टर शिफ्ट दबाता हूँ तो ये देखिए अब हिंदी में हो गया, और फिर से अल्टर शिफ्ट दबाऊंगा तो इंग्लिश में हो गया। तो उसका एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। चलिए ये मेरा एक नोटपैड है, नोटपैड में मैं दिखाता हूँ आपको क्या है, कैसे कर सकते हैं इसको। लिखना है यहाँ पे मेरा नाम, देख रहे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, और अल्टर शिफ्ट में अभी दबाता हूँ तो ये इंग्लिश में हो जाएगा, ये देखिए इंग्लिश में हो गया मेरा नाम। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कहीं भी टाइप कर सकते हैं, गूगल में टाइप कर सकते हैं, कहीं भी सर्च कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे सर्च करते हैं मैं गूगल में,
ये भी इंग्लिश में है, हिंदी में कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि ये इंग्लिश में है, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। मूवीज़ देख सकते हैं, मूवी डाउनलोड, मूवी क्या क्या आ चुका है देखिए। अभी हिंदी में पूरी तरह सर्चिंग कर सकते हैं आप, पूरी तरह आपको यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का अनुभव होगा। और सिमिलरली आप इसको कैंसिल कर सकते हैं अल्ट शिफ्ट दबा के, देख सकते हैं आप ये टॉगल जो बाहर है ये भी आ रहा है, गूगल इनपुट टूल का ये है, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आपका ये जो टैब है यहाँ से कर सकते हैं, माउस से भी आप हिंदी इंग्लिश कन्वर्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आप सुविधा यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके ऑफलाइन मोड पे किसी भी कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और भी चीज़ें, यदि आपके यहाँ पर नहीं चल रहा है तो उसमें एक चीज़ और है होती है, मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है आपका विंडोज़ 32 या 64 बिट का हो और सॉफ्टवेयर इस तरह सपोर्ट ना कर सको, क्योंकि गूगल जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिक है इसमें काफ़ी दिक्कत आती है 64 और 32 बिट्स के बीच में। तो आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख रहे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर 32 बिट का या फिर 64 बिट का है, तो आपको कैसे देखना है वो मैं सिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे जाना है, मैं अपने कंप्यूटर पे चलता हूँ, राइट क्लिक मारना है और प्रॉपर्टीज़ में जानी है। जैसे आप प्रॉपर्टीज़ क्लिक करेंगे आपको ऐसा विंडोज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मेरा है तो मैं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज़ करके यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। तो इस तरह से ये काम करता है, ये आप 64 इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसमें। तो चलिए फिर, मुझे लगता है मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी है। अब एंजॉय करिए आप हिंदी को, ट्रांसलिटरेशन जो मैंने बता दी है। तो हो सकता है मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ आपको बताई है, आपको मदद मिलेगी। आपको कैसा अनुभव रहा, क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। या फिर आपके पास कुछ और टूल्स हो तो कन्वर्ट करने के लिए तो उसको भी बता दीजिएगा। तो हम बस दोस्तों भैया जी टेक्निकल देख लें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।